आटे से एक नए तरीके से नाश्ता बनाने जा रही हूँ, और हम इसमें बहुत ही कम सामान यूज कर रहे हैं, जो हमारे रेगुलर घर में रहता है वही सामान से। इसमें मैंने नमक ले लिया है स्वाद अनुसार, धनिया पत्ता, और ये हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट है। मैं बिना लहसुन प्याज के इसे बना रही हूँ। और यहाँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च और गरम मसाला ले लिया है मैंने। अब इन सबको हम इसमें डाल देते हैं अच्छी तरह से, और इसे पहले सूखे ही में मिला लेते हैं, फिर इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें हम धीरे धीरे कर कर पानी मिलाएंगे, और इसमें मैं अरारोट या सोडा कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। धीरे धीरे करके इसमें पानी मिलाएं, गाँठ ना पड़ने दें। अब देख रहे हैं मैंने इतना पतला कर लिया है, आप चाहें तो इससे पतले भी कर सकते हैं, मगर मैं इतने ही पे रहने दे रही हूँ। और हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम अपने इसमें जो पेस्ट भरेंगे उसे तैयार करते हैं। हमारा जीरा हो गया, अब हम इसमें सारा डालते हैं। और ये सब जब आप डालें तो आँच धीमी आँच पर रखें, गैस ज़्यादा तेज ना करें, इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाएगा। फिर हम अपना मसाला डालेंगे, आप चाहें तो इसमें प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं नहीं ले रही हूँ। इसमें जो मैंने मसाले और नमक लिए थे उन सबको डाल के बस 5 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे, ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए, और फिर हम अपना आलू इसमें डालेंगे। अब हम इसमें अपना आलू डालते हैं। अब हम धनिया पत्ता डाल के गैस बंद कर लेते हैं, और इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा गरम हो गया है, और ये भी 5 मिनट हो गया। अब हम बनाने चलते हैं। पहले हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, और इसी को चम्मच की सहायता से पूरी फैला लें। अब हम सरसों की सहायता से इस पर डालेंगे, और इसी को हम फैला देंगे। मैंने ऐसे फैला दिया, अब इसे हम पलटे हैं। एक तरफ से हो गया है, इसमें मैं ये आलू डालूंगी। और इसे चारों तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके। फोल्ड हो गया, अब हम इसे पलटी कर लेते हैं। इसमें हम हल्का सा तेल डालेंगे ऐसे, और 5 मिनट हम हल्के आंच पे पकाएंगे। ये बन गया है, अब हम सारा ऐसे ही कर करके एक एक करके सारा बना लेंगे। कहीं से भी हमारा आलू नहीं निकला है, सब इसी में राउंड होके।